Students, here we are continue with the topics of our continued chapter, that is reproduction in lower and higher plants. जो हमारा ये chapter चल रहा है reproduction in lower and higher plants, उसके ये जो दो topics हैं माइक्रोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दीज टू टॉपिक्स. स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैमेन and especially this part called as anther. इसमें हमने देखा था कि जो डायथीकस एंथर होते हैं, डायथीकस एंथर का जब TS करते हैं तो TS करने पर वी सी फोर पॉलन सैक. और पॉलन सैक में क्या मिला हमको, व्हाट वी हैव गॉट इन पॉलन सैक, तो वो होते हैं पॉलन सैक में पॉलन मदर सेल्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. और ये जो होते हैं दे आर डिप्लॉयड. अब ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गया, यानी हम डायथीकस एंथर या हम कह सकते हैं एंथर, देन एंथर टू पॉलन सैक, देन पॉलन सैक टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको कहते हैं हम स्पोरोजिनस सेल्स. वो डिप्लॉयड होते हैं. अब उनमें क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा. मियोसिस प्रोसेस यानी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस की वजह से 1 2 3 4 चार माइक्रोस्पोर्स यानी फोर माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म. यानी ये माइक्रोस्पोर या इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन. और ये सब कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स the chromosome number will become half in each and every these four cells to its parent cells chromosome number. So students, हियर वी सी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो आपको समझ में आ गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय प्रोसेस मियोसिस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन. ओके, फर्स्ट वी विल सी दैट ये पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन इट इज, इसमें हमको एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज यूनी न्यूक्लिएट है. और ये एक ही सेल है, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनी सेलुलर. यूनिसेलुलर और इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, वो हाफ रहेंगे. किसके, माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ रहेंगे क्रोमोसोम नंबर. तो सपोज इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जो गार्लिक है, जो लहसुन का प्लांट है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं,
तो उसके जो ये माइक्रोस्पोर बनेगा, जो पॉलन ग्रेन बनेगा, तो उसके क्रोमोसोम में, उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे माइक्रोस्पोर में? 8 आएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसा रहता है टिपिकल पॉलन ग्रेन जो रहता है वो? एक तो यूनिसेलुलर रहता है, यूनिन्यूक्लियोट रहता है, हैप्लॉइड रहता है और नॉन मोटाइल रहता है। नॉन मोटाइल, इट कैन नॉट मूव। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो पॉलन ग्रेन है इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर्ड वॉल। अब ये जो दो लेयर है, दो वॉल जो है इसकी, टू लेयर्ड वॉल, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोडम। स्पोरोडम है, स्पोरोडम में आउटर जो स्पोरोडम है इट इज कॉल्ड एज एक्साइन। अब एक्साइन जो होती है, दिस वन एक्साइन, दिस इज थिक। कैसी होती है? इट इज थिक, मोटी होती है। क्यों? बिकॉज दिस वन इज द आउटर कवरिंग और फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज अल्टीमेटली इट हैज टू बी वेरी थिक। इसके लिए ये जो है, ये आउटर वन इज थिक और वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। देखो यहाँ पर जो है, इट मे बी स्मूथ और विथ स्कल्पचर पैटर्न, इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। यानी ये जो एक्साइन है जो इसका स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ये लेयर जो होती है वो स्मूथ भी हो सकती है और स्मूथ भी होती है और इट में भी रफ, और ये रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर और केमिकल्स लाइक दिस। नाउ वी सी द जर्म पोर ऑन एक्साइन। तो एक्चुअली में जर्म पोर होते क्या हैं? तो एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन, शोइंग थिन एरिया नोन एज जर्म पोर। इसको जर्म पोर कहते हैं, ये जो होती है। एक्चुअली ये होती किस लिए है? इट इज फॉर द ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी जब, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, सो द पॉलन ग्रेन फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। तो वो जो पॉलन ट्यूब बनती है वो कहाँ से आएगी? इसी जगह से जो है निकल कर बाहर आती है। हेयर वी कैन सी दैट, ये जो होता है ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब, इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, ये जो एंटाइन रहती है, एंटाइन से ही पॉलन ट्यूब बनती है। नाउ नेक्स्ट वन इज इनर वन, इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंटाइन। एंटाइन किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है एंड इट इज वेरी स्मूथ एंड थिन। नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस इज द पॉलन ग्रेन, इट इज यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर एंड इट इज हैप्लॉइड। हो गया एंड स्पोरो
डर्म कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स टू वॉल्स एक्साइन आउटर वन इनर वन इज एंटाइन एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन और इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टीन एंड सेलुलोज और सम ऑफ द प्लेसेस ऑन द एक्साइन विच इज थिन फॉर्मिंग द जम्पोर। तो ये पूरा जो है दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी अब आपको समझ में आ गया, नाउ यू हैव गॉट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस। यानी पॉलन ग्रेन कैसे बना वो समझ में आ गया। अब लेकिन हमको क्या देखना है, पॉलन ग्रेन से क्या बनना है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। सो पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी पॉलन ग्रेन अगर अब बन गया तो उसका जब डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट, तो उससे जो है मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो एक्चुअली ये जो मेल गैमेटोफाइट होता क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्या ये एक पॉलन ट्यूब निकली हुई है इंटाइन के एनलार्जमेंट से, और फिर दो मेल गैमेट आ गए हैं। तो ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मीन्स द स्ट्रक्चर कीपिंग मेल गैमेट कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि कैसे दो मेल गैमेट है, ये पूरा स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट। हियर वी सी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है उसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। बिकॉज ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू सेल्स आर फॉर्म। सो टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड। तो पॉलन ग्रेन में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, तो उससे दो सेल्स बनेंगे। दोनों सेल्स में एक सेल जो रहेगा दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव एंड अदर वन इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज टू सेल्ड स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन इसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो है, जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल वो बिगर एंड नेकेड। तो आपको दिखाई दे रहा है, इफ़ यू सी द साइज वाइल ऑब्जर्वेशन इट विल कम टू नो दैट द वेजिटेटिव इज द लार्जर सेल वेर एज द जेनरेटिव सेल दिस वन इज द स्मॉलर। स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये बड़ा होता है एंड इट इज नेकेड। वेजिटेटिव सेल, दिस वेजिटेटिव सेल इज़ रिच इन फूड। इसमें फूड मटेरियल ज़्यादा होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ इरेगुलर, इट हैज़ नो शेप। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल जो इट इज़ फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नाउ इन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, अब सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें ये जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद वो दो मेल गैमेट बनाता है।
तो ये जो है ये माइटोटिक डिवीजन जो जेनरेटिव सेल में होता है ये या तो पॉलन ग्रेन में होगा, इट टेक्स प्लेस आइदर इन पॉलन ग्रेन और इन पॉलन ट्यूब, या तो ये जो है पॉलन ट्यूब में होगा, यानी ये पॉलन ट्यूब जो बन गई है ये जेनरेटिव सेल का डिवीजन इसमें होगा। द पॉलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जब ये डेवलपमेंट इसका कंप्लीट हो जाता है एंथर का, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं टू सेल्ड स्टेज, तो बस्टिंग ऑफ द एंथर टेक प्लेस एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो वो पॉलन ग्रेन कैसे रहेंगे, टू सेल्ड स्टेज होंगे, एक सेल कौन सा रहेगा वेजिटेटिव एंड दूसरा जो रहेगा जेनरेटिव सेल, टू सेल्ड स्टेज मोस्टली टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे डायग्राम जो है दी हो दैट सिक्वेंशियल डायग्राम्स आर हियर गिवन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वी विल सी वन बाय वन टू रिकॉल। पॉलन ग्रेन, यूनिसेलुलर पॉलन ग्रेन, उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, और वो जेनरेटिव सेल जो रहेगा वो उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहेगा वेजिटेटिव सेल के। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगा, यानी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से जेनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनते हैं। तो इस तरीके से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसकी मियोसिस से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन में वन टू यानी दो मर्तबा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी एक मर्तबा मियोसिस होगा और दो मर्तबा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो जाकर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है।